आज हम एक्टिविटी करने वाले हैं, ओके। आप सभी को वो एक्टिविटी में बहुत मजा आएगा। आप सभी को एक्टिविटी ध्यान से देखना और फिर घर पर करना, ओके। अब हम एक्टिविटी करेंगे, तो हम जो एक्टिविटी करने वाले हैं, उसका नाम है होप ऑन शेप्स, ओके। बच्चों, ये आउटडोर एक्टिविटी है, तो ये एक्टिविटी हम बाहर करेंगे, ओके। तो बच्चों, इस एक्टिविटी के लिए आपको क्या करना है, देखो। पहले आपको चौक की मदद से यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी है, ओके। ये स्टार्टिंग लाइन है, क्या है, स्टार्टिंग लाइन। फिर बच्चों, आपके पास जो चार्ट पेपर है, उसमें से आपको यहाँ पर देखो, मैंने शेप्स कटिंग किए है, उस तरह से शेप्स को कट करना है। देखो, ये कौन सा शेप मैंने कट किया है, रेक्टेंगल, ओके। फिर ये सर्कल, फिर ये है स्क्वायर, और ये है ट्रायंगल, ओके। तो बच्चों, इसी तरह से आपको चार्ट पेपर में से ऐसे बड़े शेप्स को कट करना है। तो बच्चों, अब हम एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे। तो आपको पहले क्या करना है, स्टार्टिंग लाइन के पास में इस तरह से खड़े रहना है। अब हम एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे, तो हमें क्या करना है, पहले हम हमारा जो एक लेग है वो इस तरह से ऊपर करेंगे, ओके। फिर बच्चों, क्या करना है, आगे जो सर्कल शेप है उस पे हम होप करेंगे, देखो इस तरह से। यस, ये हमने क्या किया, होप किया, ओके। अब बच्चों, आपको इसी तरह से आ गए कौन सा शेप है, स्क्वायर शेप है, तो उस पर भी होप करना, देखो इस तरह से। देखो, ये हमने क्या किया, होप किया। तो बच्चों, अब हम क्या करेंगे, हमारा जो दूसरा लेग है वो नीचे रख देंगे, क्योंकि अब हमारा ट्रायंगल शेप बाजू में है, साइड में। तो अब हम क्या करेंगे, इस तरह घूम जाएंगे, ओके। फिर क्या करेंगे, अगेन हम हमारा एक लेग है वो ऊपर करेंगे, फिर ट्रायंगल शेप पे होप करेंगे, देखो इस तरह से हो गई ना एक्टिविटी। यस, लेकिन हमारा अब जो रेक्टेंगल शेप है वो इस तरफ है, तो हम पैर को नीचे रख के अब हम रेक्टेंगल शेप की ओर घूम जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे बच्चों, यस, अगेन हमारा जो एक लेग है वो ऊपर करेंगे, और अब हम रेक्टेंगल शेप पर होप करेंगे, देखो, यस, वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे बच्चों, लाइन के बाहर चले जाएंगे, यस, लेकिन होप करके ही जाएंगे, वेरी गुड। अब हमारा दूसरा लेग भी हम नीचे रख देंगे। तो बच्चों, हमने कौन सी एक्टिविटी की, होप ऑन शेप्स, हमने अलग अलग शेप्स पर होप किया है ना, वेरी गुड। तो अब आपको ये एक्टिविटी क्या करनी है, घर पर करनी है, ओके। लेकिन ये एक्टिविटी आउटडोर एक्टिविटी है, तो आपको बाहर ही ये एक्टिविटी करनी है। तो बच्चों, इस एक्टिविटी से हमें क्या फायदा होता है, कंसंट्रेशन डेवलप होता है, बॉडी बैलेंसिंग होती है, और आई कोऑर्डिनेशन होता है, ओके। तो अब आप सभी भी ये एक्टिविटी घर पर करना। अब हम फिर मिलेंगे, बाय।